बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलमेट और ये बाइक, मैं निकला हूँ मार्केट के लिए, सामान चाहिए मुझे अपने रूम के लिए ना कुछ, तभी चलते हैं मार्केट। तो मैं किंगरा टाउन में पहुँच गया हूँ। एक तो कुछ और सामान चाहिए ना, तो वो साथ में घर वाले भी हैं, अम्मी जान हैं, वो चेक कर रहे हैं बाज़ार में, तो मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। तो मैं आया हूँ फराज भाई के पास। आपको पता ही है, ज़्यादातर जो शॉपिंग है किंगरा टाउन से वो फराज भाई की शॉप से करते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से ये बहुत मोहब्बत करते हैं और चीज़ें भी बहुत अच्छी दिखाते हैं, यानी कि टी शर्ट, ट्राउज़र, जीन्स। तो माशाल्लाह अभी फराज भाई से जो है थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम फराज भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत। तो फराज भाई ने आते ना, उन्हें पता चल गया कि मुकल्लफ भाई जो हैं वो ज़्यादा टी शर्ट पसंद करते हैं, तो उन्होंने मेरे सामने रखी हैं सारी टी शर्ट। और माशाल्लाह से ये भी अभी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं सामने वीडियोस बन रही है जनाब। फराज भाई अपने चैनल का नाम बताएं प्लीज़। अहमद फराज मेरे चैनल का नाम है। सही हो गया, अहमद फराज, अहमद फराज टीवी, अहमद फराज टीवी। तो आप जनाब फटाफट जाके वहाँ पर फराज भाई को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह प्यार देते रहें जिस तरह हमें प्यार दे रहे हैं। तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी जो है ना अभी वीडियोस बना रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट किया लेकिन माशाल्लाह बहुत इम्प्रूव किया है इन्होंने। तो अभी कुछ शॉपिंग कर लेते हैं तो फिर चलते हैं। इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी, थोड़ी सी करनी थी। दो टी शर्ट हैं, दो ट्राउज़र हैं और मोईद भी मेरे साथ था। तो मोईद को फराज भाई ने पहली दफ़ा आया शॉप पर ना, तो गिफ्ट कर दिया एक टी शर्ट और ट्राउज़र। फराज भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो जनाब अभी और कुछ सामान लेना है वो लेते हैं, फिर चलते हैं घर को। ठीक है, बस यही चीज़ें लेनी है। बस ये वो चीज़ें थी ड्रेसिंग के लिए जो मैं लेके आया हूँ ना कल बाज़ार से, साथ में थोड़ी सी शॉपिंग की थी। और ये तो बाकी मैं आपको पूरे रूम का विज़िट इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें मिस हैं, बिखरी पड़ी हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ज़रूर कराऊँगा ना। तो जो ज़रूरी चीज़ें थी लेके आया था वो ये है, वो आपको मैंने दिखा दी हैं। तो कल बहुत गर्मी थी, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी वो की है, और साथ में ना मुझे अपने रूम के लिए कुछ ड्रेसिंग रखने के लिए सामान वगैरह चाहिए था, तो वो लिया था। उसकी तलाश में फिर सारा दिन कल का गुजर गया ना। तो अभी पूरा रूम जो है वो रेडी नहीं हुआ है, जब रेडी होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो अभी कुछ और ज़रूरी बातें वो आपसे करते हैं बाहर जा के खेतों में। अभी भी जो है बहुत सारा काम रहता है घर में करवाने के लिए छोटा छोटा, तो वो करवाना है, फिर आपको अपने रूम का विज़िट कराऊंगा। तो आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे दोस्तों के मैसेज होते हैं। ये मेरे चाचू हैं, अंकल, उन्होंने रखे हुए हैं सील मुर्गा, सील मुर्गे और मुर्गियाँ। तो इन्होंने ये छोटे छोटे बच्चे भी निकाले हुए माशाल्लाह से। ये प्योर सील मुर्गे हैं। क्या पापा नहीं मिल रहे थे? किधर किधर ढूंढा है? ठीक, चप्पल पहनी है? शाबाश शाबाश, आप है ही अच्छे बच्चे हो। तो मैं पहुंच गया हूं जनाब खेत में इस वक्त। तो बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेज होते हैं कि आपसे मिलना चाहते हैं, स्पेशली बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ज़िद करते हैं गाँव में आने की, आपसे मिलना चाहते हैं। तो भाई मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ कि मिलने की जो प्रॉब्लम है, एक तो आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से वैसे ही हम नहीं मिलते, बल्कि कोई भी किसी को नहीं मिल रहा कोरोना वायरस की वजह से, एक तो ये बात है। दूसरी ये बात कि हम लोग रहते हैं गांव में, तो गांव में आप लोगों को पता है और भी बहुत सारे मामलात होते हैं खेतों में आगे पीछे। तो अगर आप लोग आएँ हम घर में ना हों तो फिर भी बहुत, तो फिर अच्छी बात नहीं है। एक वीडियो में भाई मुबशर ने सब दोस्तों से माजरत की थी कि जो भी विलेज में आना चाहता है उन सब से माजरत है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त आए थे विलेज में लेकिन उनमें से कुछ दोस्तों ने एलव जवालों की वीडियो बनी तो फिर उन्होंने एतराज़ किए। इस वजह से हम किसी भी बंदे को जो है ना वो इनवाइट नहीं करते, ना ही जो है ना आने की इजाज़त देते हैं कि विलेज में आने की इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर हम किसी दोस्त के सिटीज़ में गए हों, जैसे कि कोई
लाहौर का है, फैसलाबाद का है, तो वैसे इन दिनों तो निकल ही नहीं रहे ना, हम लोग भी नहीं निकल रहे, ऐसे मामला बने हुए हैं, हालात बने हुए हैं। तो सबसे बड़ी वजह जो है वो एक कोरोना वायरस है, दूसरा ये जो गाँव में ज़िंदगी होती है वो थोड़ी मुख्तलिफ होती है शहरों से, कुछ दोस्त जो हैं वो बताने के बगैर ही आ जाते हैं, बिन बताए यानी कि आ जाते हैं, तो बंदा घर में ना मिले। हम भी इंसान हैं, हमारे खेत हैं, हम खेतों में काम करते हैं, बाहर निकलते हैं, ज़िंदगी सारे मामला आते हैं, लेकिन जो शहर की ज़िंदगी है, सिटी की ज़िंदगी है, वो थोड़ी मुख्तलिफ है। तो कुछ दोस्त तो ये सोच के आ जाते हैं कि बंदे घर में ही होंगे, तो ऐसी बात नहीं है, काम पड़ते रहते हैं, काम की वजह से बाहर आना जाना लगा रहता है। तो इन दिनों वैसे तो हम नहीं जा रहे, तो बहुत सारे दोस्त जो हैं बिन बताए जो आ जाते हैं, फिर बंदा घर में ना हो तो मायूस होते हैं। तो सबसे बड़ी वजह ये है, एक वजह वो थी जो भाई मुबशर ने बताया था, कुछ दोस्त आए थे गाँव में तो उन्होंने गाँव वाली औरतों की ना वीडियो बना ली थी, तो फिर वो इतराज़ हुए, आपको पता है गाँव में जो पंचायत होती हैं उनके सारे मामला होते हैं, तो इस वजह से फिर हम भी किसी को जो है नहीं कर रहे, तो बाद में फिर ये कोरोना वायरस का मसला बन गया, इस वजह से हम किसी को भी जो है इनवाइट नहीं करते, तो माजरत है, बहुत बहुत माजरत है, इस वजह से हमारी मजबूरी है, बहुत सारी मजबूरी होती है, तो मैंने सोचा अब सब दोस्तों को बताया जाए। और दूसरा ये माइक जो है ना पिछले 2-3 दिन से मुझे मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने 3 से 4 व्लॉग्स में ये माइक यूज़ नहीं किया, तो इस ये वजह थी, अभी मिल गया। एक तो थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी और मुझे अपने रूम के लिए ड्रेसिंग चाहिए था, वो सेफ अलमारी बोलते हैं हम लोग ने उसे, तो ड्रेसिंग के लिए वो ली है। और मैंने सोचा कि सब दोस्तों को बताया जाए। हाँ, एक दोस्त ने मुझे मैसेज करके बोला है कि भाई आप जो है ना बहुत सारे दोस्त आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप उनको बता दें कि असल में मजबूरी क्या है, जो विलेज के लोग हैं। मैंने सोचा बिल्कुल हाँ, सारी बातें शेयर करनी चाहिए भाई लोगों से। तो इस वक्त मैं अपने खेतों में आया था, तो मैंने सोचा साथ में गपशप हो जाएगी। तो ये आज का छोटा सा व्लॉग था, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का व्लॉग जो है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।